बहुत ही खतरनाक टाइप से चेक इन चल रहा है भाई, ऐसा सिक्योरिटी तो भाई कभी नहीं देखे थे। Ladies and gentlemen, this is an important announcement. In case of loss of cabin pressure, you must remove your face mask and face shield before using the cabin oxygen mask. Oxygen flow will start once the mask is pulled. Please note, it is normal for the oxygen bag not to fully inflate for after activation. Thank you. फाइनली गाइज, इट्स टाइम टू लीव द हॉस्टल नाउ। एंड आज है 6 तारीख, तो आज हमारी फ्लाइट है और फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड है। अभी काफ़ी सारी तैयारी भी करनी है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब हमारी टैक्सी आ रही है, तो टैक्सी में अब बैठेंगे और निकलेंगे एयरपोर्ट। तो इस ब्लॉग में आज पूरी जर्नी देखने वाले हो, ड्यूरिंग लॉकडाउन जर्नी कैसी होती है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट गाइज, तो हमारी टैक्सी आ चुकी है और अब फाइनली हम लोग हॉस्टल छोड़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अंधेरा बहुत है, तो डायरेक्ट अब चलिए आपको एयरपोर्ट पहुँच करके मिलते हैं। ये देखो पीछे हमारी टैक्सी है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो चलो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुँच करके मिलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ से अगर निकलेंगे, अगर जर्नी कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो क्या क्या चीज़ें आपको ले करके चलनी पड़ेगी, मतलब मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें वहीं पर डिस्कस करेंगे। जिंदगी में पहली बार बेंगलोर एयरपोर्ट इतना सुनसान सन्नाटा है। गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बेंगलोर एयरपोर्ट पे और मेरे साथ जो आए हैं मेरे दोस्त लोग, वो सब गए हुए हैं अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो गाइस, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो एयरपोर्ट है बेंगलोर एयरपोर्ट, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार इतना खाली खाली मेरे को देखने को मिला है और पहली बार ये इतना खाली हुआ भी होगा। बट अभी चलते हैं अंदर और उसके बाद फिर यहाँ का पूरा जो सिनेरियो, पूरी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, बिकॉज़ ये नॉर्मल जर्नी से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो गाइज, बाहर से पहले ही वेब चेक इन करवा लेना रहता है, उसके बाद फिर अंदर इंटर करने देता है, बिकॉज़ अंदर से पहले हम लोग जो वेब चेक इन किया करते थे वो वाला सिस्टम अभी सिर्फ बाहर से ही कर रहा है। और यहाँ पर देखो एयरपोर्ट की हालत, बिल्कुल खाली सुनसान सन्नाटा है। तभी गया राघिब वेब चेक इन करवाने के लिए, वो वेब चेक इन करवा करके आता है, उसके बाद फिर हम लोग अंदर डिपार्चर के लिए जाएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। बहुत ही खतरनाक टाइप से चेक इन चल रहा है भाई, ऐसा सिक्योरिटी तो भाई कभी नहीं देखे थे। ऑल राइट गाइस, तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ का पूरा सिनेरियो। सारा काम हमारा हो गया करीब 1.5 घंटा की मेहनत के बाद, मतलब काफ़ी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे हो रही है, आपको कोई भी टच नहीं करने वाला है यहाँ पे, सारा काम स्कैनिंग से होता है। तो चलिए आपको शुरू से पूरा सिनेरियो समझाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हमने क्या क्या कैरी किया अपने खुद के सिक्योरिटी रीज़न के लिए। सबसे पहला चीज़ ये चीज़ तो आपको पता ही है, मैंडेटरी है, एकदम आपको कंपलसरी है लेकर के आना, मास्क, बाकी हैंड ग्लव्स है और हैंड सैनिटाइज़र है। ये ऑप्शनल है, आप ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, बट आप अपनी सिक्योरिटी खुद ले करके चलो तो ये सही रहेगा। बाकी जब हम लोग यहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो दिखा कि एकदम खाली खाली है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार मतलब बेंगलोर एयरपोर्ट पे इतना कम पैसेंजर देखा है, बिल्कुल लग रहा है कि है ही नहीं पैसेंजर यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, फिर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए,
मतलब ख़तरनाक सिक्योरिटी चेकिंग, कोई आपको टच नहीं करेगा, सारा काम जितना होगा सब स्कैनिंग से होता है, आपका टिकट चेक करना और आईडी पास चेक करना जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ आपका होगा, सिर्फ स्कैनिंग से टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करोगे आपको बोर्डिंग पास लेनी है। तो गाइस बोर्डिंग पास आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आपका जो इंटरनेट टिकट रहेगा वो आपका खुद का बोर्डिंग पास होगा, एंड दूसरा आप मतलब यहाँ से जो नॉर्मल बोर्डिंग पास निकालते हैं वेंडिंग मशीन से जा कर के आप निकाल सकते हो। तीसरी चीज़ कि बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको बैगेज चेक इन करवाने जाना होगा, तो बैगेज चेक इन के लिए भी आपका सारा काम मतलब स्कैनिंग से ही होगा, और उसके बाद फिर उसको लेकर के बैगेज में मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा एक घंटा। तो ये सब होने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक इन, उसमें भी आपको बिल्कुल भी मतलब कोई टच नहीं करने वाला है। देखो इस साइड फ्लाइट सब लगी हुई है, तो अभी हमें मिला है गेट नंबर 18, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया। एंड गाइस मतलब बहुत ही टाइट सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है, हर इंसान को मतलब बहुत ही अच्छे से चेक कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह बहुत अच्छे से देख रहे हैं, उसके बाद ही इंटर करने दे रहे हैं। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, थोड़ा मतलब अंदर अजीब सा भी फील हो रहा है, क्या हो रहा है यार, बट चलो ठीक है, अभी तक तो सब सही रहा है, आई होप कि आगे भी सब सही रहने वाला है। आप अगर आओ एयरपोर्ट पे तो कहीं भी अगर जर्नी करना हो तो कम से कम आप 2-2.5 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाओ, ऐसा नहीं कि घर से निकलो 2-2.5 घंटा 3 घंटा पहले, एयरपोर्ट कम से कम 3-2.5 घंटा पहले पहुंच जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे सिक्योरिटी एंड बैगेज चेक इन वगैरह बोर्डिंग पास लेने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। तो 2-2.5 घंटा आप पकड़ करके चलो, यह सारा टाइम लगने वाला है। तो अब चलो अब चलते हैं, बोर्डिंग करने का टाइम हो रहा है। एंड गाइस मेरे साथ एक और मतलब थोड़ा सा केस ये हो गया, हमारी जो फ़्लाइट थी वो 9 बजे थी, 8:55 पे, बट वो शिफ्ट करके प्रीपोन्ड कर दिया उसको 5 बजे सुबह में कर दिया, 5:15 पे। तो हमें थोड़ा हड़बड़ी भी हो गई आने में। इस टाइम पे आने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि एयरपोर्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं हम, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा शॉप सब मतलब जितना भी है सब खुला हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह और इंटरनेशनल फ़्लाइट मतलब जो सिलेक्टिव स्पेशल फ़्लाइट्स वगैरह वही सब आ रही है, मतलब नॉर्मल फ़्लाइट कोई भी नहीं आ रही इंटरनेशनल। अब जाते हैं बोर्डिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं डिपार्चर, उसके बाद फिर पहुँच जाएँगे हम लोग रांची। In case of loss of cabin pressure, you must remove your face mask and face shield before using the cabin oxygen mask. Oxygen flow will start once the mask is pulled. Please note it is normal for the oxygen bag not to fully inflate for after activation. Thank you. ऑल राइट गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रांची, और पीछे देखो हमारा बैगेज का वेट कर रहे हैं हम लोग।
गाइस यहाँ पे चल रहा है पूरा स्कैनिंग खतरनाक टाइप से। धीरे 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 लाइन आगे बढ़ रही है, स्कैनिंग चल रहा है, बिना स्कैन किए किसी को पार नहीं होने देते। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने घर पे। एंड आने के बाद काफ़ी थक गया था, तो नहा करके थोड़ा खाना वाना खा करके तुरंत सो गया था। एंड आपको बताओ यार, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस तो काफ़ी मतलब ख़तरनाक था इस बार का जो एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ फ़्लाइट के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से हम लोगों को जो पहना दिया गया था, मतलब वो शील्ड, फेस शील्ड लगाया गया था, और मैं जो मेरा फ्रेंड था बीच में उसे लगाया था पूरा पीपीई किट वगैरह पूरा पहनाया था। पूरा पीपीई किट नहीं था बट फिर भी मतलब सेमी पीपीई किट बोल सकते हैं आप। तो इसके वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, टेम्परेचर भी बहुत हाई रखा गया था फ़्लाइट का। और आपको बताऊँ फ़्लाइट के अंदर मतलब पूरी की पूरी फ़्लाइट फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। हम लोगों को 3 दिन के होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। हमें यहाँ पे ये भी लगाया है, यहाँ पे होम क्वारंटीन का ठप्पा लगा दिया था। तो अभी चलो अब 3 दिन तक घर में रहते हैं, उसके बाद फिर कहीं निकलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे यहाँ का माहौल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।